पेशाब कांड से त्रिकोणीय हुई सीधी की लड़ाई, बागी केदार के मैदान में होने से भाजपा के वोट बटे, पीड़ित दशमत चंद्रशेखर के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सीधी से सिंगरौली की तरफ जाते हैं तो 15 किलोमीटर दूर रास्ते में पड़ता है कुबरी गांव। ये वही गांव है जहां पेशाब कांड हुआ था। इस घटना ने देश और प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचा दिया और पीड़ित दशमत रावत की जिंदगी बदल गई। अब विधानसभा चुनाव में सीधी सीट के समीकरण ही बदल गए हैं। भाजपा प्रत्याशी सांसद रीति पाठक त्रिकोणीय मुकाबले में कांटे की टक्कर में फंस गई है। पेशाब कांड की वजह से टिकट कटा तो भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलाने से नाराज ब्राह्मण समाज की भाजपा से नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है। शुक्ला के बागी तेवर और जातिगत समीकरण में कांग्रेस अपना फायदा तलाश रही है। पेशाब कांड का सीधी की सियासत पर क्या असर है? मुकाबला त्रिकोणीय है या फिर बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर? आदिवासी और ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी कम हुई या जस की तस है? प्रत्याशी कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव से 4 महीने पहले हुई इस घटना ने सीधी विधानसभा सीट की सियासत को भी बदल दिया। बीजेपी ने 2 फैसले लिए। पहला, घटना से नाराज आदिवासी वर्ग को साधने सीधी से 3 बार के विधायक केदारनाथ शुक्ला का टिकट काट दिया। दूसरा, आरोपी के घर बुलडोजर चलाए जाने से नाराज ब्राह्मण समाज को मनाने सांसद रीति पाठक को मैदान में उतारा। बीजेपी के इस फैसले से केदारनाथ शुक्ला बागी हो गए और वो निर्दलीय मैदान में कूद पड़े हैं। इधर पेशाब कांड के पीड़ित दशमत रावत ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस ने ठाकुर समुदाय से आने वाले ज्ञान सिंह को टिकट दिया है। घटना के आरोपी और भाजपा पदाधिकारी प्रवेश शुक्ला के घर के एक हिस्से पर बुलडोजर चला। पीड़ित दशमत रावत को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस बुलाकर उसके पैर धोए थे, उससे माफी मांगी, मकान, नौकरी और बच्चों की पढ़ाई समेत कई सुविधाएं देने का ऐलान किया था। कुबरी गांव में पेशाब कांड को लेकर कोई बात नहीं करता। सबसे पहले हम पहुंचे कुबरी गांव के बाजार की उस गली में जहां पेशाब कांड हुआ था। पेशाब कांड वाली गली में एक तरफ दुकानें हैं, दूसरी तरफ एक मकान बना है। यहां के लोगों ने बताया कि ये बीजेपी का चुनावी कार्यालय है। इस कार्यालय की एक दीवार पर निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी के बागी केदारनाथ शुक्ला का वोट देने की अपील करता हुआ पोस्टर लगा हुआ है। इस गांव के लोगों से बात करने की कोशिश की, कोई सीधे तौर पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। कुछ लोग बोले ये तो बीजेपी का गांव है, ज्यादातर लोग बीजेपी से जुड़े हैं। कुबरी गांव में केवल 2 समुदाय के वोटर्स हैं, एक आदिवासी, दूसरे ब्राह्मण। ब्राह्मण समुदाय बीजेपी से जुड़ा है। कुछ वोटर्स केदारनाथ शुक्ला से व्यक्तिगत तौर पर जुड़े हैं। गांव के लोगों से बात करने पर ये भी महसूस हुआ, पेशाब कांड के बाद गांव के सामाजिक हालात नहीं बदले हैं, ब्राह्मण आदिवासियों की जिंदगी पहले जैसी ही है। प्रवेश शुक्ला अब गांव में नहीं रहता, दशमत की जिंदगी बदल गई। जिस गली में पेशाब कांड हुआ था वहां से बमुश्किल 700 मीटर दूरी पर आरोपी प्रवेश शुक्ला का मकान है। घटना के बाद प्रवेश शुक्ला पर रासुका लगा दी गई थी। अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की ये धारा हटा दी गई है और प्रवेश शुक्ला जमानत पर बाहर है। प्रवेश शुक्ला कुबरी गांव में नहीं मिला। लोगों ने बताया कि परिवार ने उसे गांव से बाहर भेज दिया है। प्रवेश के परिजन ने इस मामले में बात नहीं की। बाजार के दूसरे छोर पर कोल आदिवासियों की बस्ती है। पीड़ित दशमत रावत इसी बस्ती में रहता है। जब हम यहाँ पहुँचे तो दशमत अपने नए मकान पर था। सरकार से मिले 6 लाख रुपए ने दशमत की जिंदगी बदल दी है। उसने पक्का मकान बना लिया है। मकान का काम पूरा नहीं हुआ है लेकिन छत तो डल ही चुकी है। पानी के लिए उसके घर में पंप लगा हुआ है। उसकी सुरक्षा में एक पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।